हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो पिछले वीडियो में मैंने इस स्क्रीन रिकॉर्डर को क्यों यूज करना चाहिए इसके बारे में आपको बताया था, और इस वीडियो में मैं इसके सारे इम्पोर्टेंट सेटिंग्स के बारे में बताऊंगा जिनको आप किसी और स्क्रीन रिकॉर्डर में भी अप्लाई करके अपने फोन से बेस्ट पॉसिबल क्वालिटी में स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो आपका फोन कौन से एंड्रॉइड वर्जन पे रन कर रहा है, इसके हिसाब से आपको अपने स्क्रीन रिकॉर्डर में कौन सी सेटिंग्स करनी चाहिए ताकि आप अच्छी क्वालिटी में गेम प्ले वीडियोस या नॉर्मल स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर पाए, इसके बारे में आज आपको पता चलने वाला है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अब चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज, इस ऐप में वैसे तो बहुत सारी सेटिंग्स के ऑप्शन है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट ऑप्शन है जैसे रेजोल्यूशन, फ्रेम रेट और बिट रेट, पहले हम इनके बारे में बात करते हैं। तो हमको सारी चीजें बहुत इजीली समझ में आ जाएं, उसके लिए मैंने ये चार्ट ड्रॉ किया है। लेकिन इस चार्ट को समझने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि आपका फोन कौन से एंड्रॉइड वर्जन पे रन कर रहा है। तो उसके लिए अपने फोन की सेटिंग्स में जाएंगे और यहाँ से सर्च करेंगे एंड्रॉइड वर्जन, तो ये वाला ऑप्शन आ जाएगा। अब इस पे क्लिक करके आप ये जान सकते हैं कि आपका फोन कौन से एंड्रॉइड वर्जन पे रन कर रहा है। जैसे मेरा फोन एंड्रॉइड 8 पे रन कर रहा है। अब वापस आते अपने चार्ट पे, तो अगर आपका फोन एंड्रॉइड 9 या उससे ऊपर के वर्जन पे रन कर रहा है तो गेमिंग वीडियोस रिकॉर्ड करने के लिए आप रेजोल्यूशन 1920x1080 या 2560x1440 रख सकते हैं। अब 2560x1440 रेजोल्यूशन के लिए सबसे पहले यहाँ कस्टम रेजोल्यूशन में जाएंगे और यहाँ रेशो 16:9 सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे 1440 आपको टाइप कर देना है, तो यहाँ 2560 अपने आप आ जाएगा। तो आप इस रेजोल्यूशन में इजीली रिकॉर्ड कर सकते हैं। उसके बाद इसमें फ्रेम रेट आपको 60 FPS रखना है, और बिटरेट की जब बात आती है तो 1920x1080 के लिए 12 MBPS और 2560x1440 के लिए 24 MBPS का बिटरेट आप रख सकते हैं। वहीं अगर आप एंड्रॉइड 9 या उससे ऊपर के वर्जन में नॉर्मल स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते हैं तो उसके लिए रेजोल्यूशन आपको 1920x1080, फ्रेम रेट 60 FPS और बिटरेट 12 MBPS रखना है। अब एक बार इसको फिर से रिपीट करते हैं कि गेमिंग वीडियोस को रिकॉर्ड करने के लिए आपको रेजोल्यूशन 1920x1080 या 2560x1440 रख सकते हैं, फ्रेम रेट आपको 60 FPS रखना है और बिटरेट 1920x1080 के लिए 12 MBPS और 2560x1440 के लिए 24 MBPS रखना है। वहीं नॉर्मल स्क्रीन रिकॉर्डिंग के लिए रेजोल्यूशन 1920x1080, फ्रेम रेट 60 FPS और बिटरेट 12 MBPS रखना है। अब अगर आपके फोन में एंड्रॉइड 8 या उससे नीचे का वर्जन इंस्टॉल्ड है तो गेमिंग वीडियोस को रिकॉर्ड करने के लिए आपको रेजोल्यूशन 1920x1080 रखना है, फ्रेम रेट 60 FPS और बिटरेट आपको 12 MBPS रखना है। लेकिन अगर आपको एडिटिंग में प्रॉब्लम आती है, शायद हो सकता है कि किनेमास्टर में प्रॉब्लम हो, तो आप इसको 8 MBPS भी रख सकते हैं। वहीं नॉर्मल स्क्रीन रिकॉर्डिंग के लिए आप 1280x720 का रेजोल्यूशन सेलेक्ट कर सकते हैं, फ्रेम रेट 30 FPS और बिटरेट 8 MBPS सेलेक्ट कर सकते हैं। तो एक बार फिर से इसको भी रिपीट कर लेते हैं कि अगर आपके फोन में एंड्रॉइड 8 या उससे नीचे का वर्जन इंस्टॉल्ड है तो गेम प्लेज रिकॉर्ड करने के लिए आपको रेजोल्यूशन 1920x1080 रखना है, फ्रेम रेट 60 FPS और बिटरेट 12 MBPS रखना है। लेकिन अगर आपको एडिटिंग में इसमें प्रॉब्लम आए या फिर फाइल साइज बहुत ज्यादा हो जाए तो आप बिटरेट को 8 MBPS भी रख सकते हैं। वहीं जब आप नॉर्मल स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते हैं तो रेजोल्यूशन 1280x720p रख सकते हैं, फ्रेम रेट 30 FPS और बिटरेट 8 MBPS रख सकते हैं। तो ये तो हो गए मेन सेटिंग्स। उसके बाद वीडियो इनकोडर का ऑप्शन है, तो इसको हमें चेंज नहीं करना है, इसमें H.264 इनकोडर ही रहने देंगे। अब नीचे रिकॉर्ड ऑडियो का ऑप्शन है, तो अगर आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते टाइम कुछ बोलते हैं तो उसको भी आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके फोन में एंड्रॉइड 9 या उससे नीचे का वर्जन इंस्टॉल्ड है तो आप इसमें डायरेक्टली इंटरनल ऑडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकते। बाकी आप जो ऑडियो माइक से रिकॉर्ड करते हैं उसकी क्वालिटी अच्छी कैसी होनी चाहिए, तो उसके लिए नीचे के सेटिंग्स हम थोड़ा देख लेते हैं। तो सबसे पहले ऑडियो बिटरेट को सेलेक्ट करेंगे और इसको 320 KBPS पे कर देंगे ताकि रिकॉर्डिंग की क्वालिटी थोड़ी अच्छी हो जाए। उसके बाद ऑडियो सैंपल रेट पे क्लिक करके इसको 48,000 हर्ट्ज पे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके नीचे ऑडियो चैनल का ऑप्शन है, तो इसमें आप मोनो रखें या स्टीरियो कोई ज्यादा फर्क तो नहीं पड़ता। बस स्टीरियो में क्या होता है कि लेफ्ट और राइट के लिए अलग अलग ट्रैक्स रिकॉर्ड होते हैं और आप इनमें सेपरेटली कुछ चेंजेस कर सकते हैं, तो मैं इसको स्टीरियो ही सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद ऑडियो सोर्स माइक ही रहने देंगे और ऑडियो इनकोडर भी AAC ही रहने देंगे, इसमें कोई चेंजेस नहीं करेंगे। उसके बाद इसको थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ रिकॉर्डिंग इंजन का ऑप्शन है, तो इसमें आपको एडवांस इंजन 2 हाई फ्रेम रेट सेलेक्ट कर लेना है। इससे होता यह है कि आप हाई फ्रेम रेट पे भी अच्छे से रिकॉर्डिंग कर पाएंगे। अब अगर आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ अपना फेस भी रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो यहाँ नीचे स्क्रॉल करके शो कैमरा के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे और यहाँ से शो कैमरा और यूज कैमरा टू API वाले ऑप्शन को ऑन कर देंगे। उसके बाद कैमरा टू API टेम्पलेट टाइप पे सेलेक्ट करके रिकॉर्ड के ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेंगे। अब लॉक पोजीशन के ऑप्शन को ऑन नहीं करेंगे ताकि आप कैमरा फ्रेम के पोजीशन को चेंज कर सकें।
उसके बाद यूज कैमरा में फ्रंट कैमरा ही रहने देंगे और रेशियो 16:9 सेलेक्ट कर लेंगे। ओरिएंटेशन को भी ऑटो ही रहने देंगे। अब बॉर्डर का कलर क्या होना चाहिए वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अब कैमरा ओपेसिटी को 100% ही रहने देंगे। तो अब आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग के टाइम ही अपना फेस भी रिकॉर्ड कर पाएंगे। अब बाकी सारे ऑप्शंस इतने कुछ खास नहीं है जिससे आपकी रिकॉर्डिंग क्वालिटी को इम्पैक्ट होगा, तो बस इन्हीं सेटिंग्स को अप्लाई करके आप अपने फोन से ही बेस्ट पॉसिबल क्वालिटी में स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। अब अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।